हे गाइस, हम फिर से पहुंच चुके हैं गार्डन्स बाय द बीच, जहाँ पर हमने रात को एक बहुत ही अमेजिंग लाइट शो देखा था जो कि एब्सोल्युटली फ्री था। बट अभी हम जो देखने आए हैं वो है दो मेन बायोडोम्स यहाँ पर, जिनकी की टिकट है $53 ईच पर्सन। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके नाम क्या है। एक है क्लाउड फॉरेस्ट, दूसरा है फ्लावर डोम। अब बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, जो क्लाउड फॉरेस्ट है इज़ लाइक अ माउंटेन विद एन इनडोर वाटरफॉल, और जो फ्लावर डोम है इज़ लाइक अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन दोनों को देखने का अलग ही मज़ा है। तो लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। एक बहुत ही अमेजिंग बात है दोनों के बारे में कि दोनों जो हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉलमलेस ग्रीन हाउसेज हैं। हालांकि बहुत सारे ग्रीन हाउसेज इस तरह से बिल्ड किया जाते हैं कि वो अंदर के इंटीरियर को वार्म रखते हैं, लेकिन यहाँ की जो कंजर्वेटरीज है इस तरह से बिल्ड की गई है कि जो इसका अंदर का क्लाइमेट है वो बहुत ही कूल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर डोम। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ अ कूल कंजर्वेटरी, और यहाँ पर जो है लगभग 3,332 ग्लास पैनल्स देखने को मिलते हैं, और जो टेम्परेचर यहाँ पर सेट किया जाता है वो लगभग 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये इतना बड़ा होल है कि यहाँ पर लगभग एक बार में 1,000 लोग आ सकते हैं। और उसके अलावा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर लगभग आपको 30,000 प्लांट्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम ओवर 150 स्पीशीज, जो कि अदरवाइज जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव प्लांट्स, इफ़ यू लव फ्लावर्स, इफ़ यू लव कलर्स, देन दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। यहाँ पर अलग अलग 5 कॉन्टिनेंट्स के प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो है आपको 1,000 ईयर ओल्ड ओलिव ट्रीज से लेकर ऑर्किड तक देखने को मिलता है। हाँ, एक बात है, हम थोड़ा अलग सीज़न में चले गए। अगर आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच में जाते हैं तो एक ऐसा सीज़न होता है जब आप इसकी लश ब्यूटी को इन्जॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बट जितना मैंने इसके बारे में सुना था उससे थोड़ा कम था, बट यस इट वॉज ब्यूटिफुल। तो ये था हमारा फ्लावर डोम, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी फ्लोरल फैंटेसी को पूरी तरह फुलफ़िल करेगा। और यहाँ पर घूमने के लिए आपको 45 मिनट से 1 आवर तक इनफ रहता है, आप पे इजीली घूम सकते हैं। उसके अलावा मैं एक ख़ास बात बताती हूँ इसके बारे में कि इसका जो वॉल्यूम है वो 75 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर है, यानी कि इतना बड़ा है। उसके अलावा इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है फॉर द लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कूल कंजर्वेटरी है। अभी हम जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट की तरफ, लेट्स सी कि वहाँ पर क्या होने वाला है। उसकी टिकट ऑलरेडी हम कंबाइन ले चुके थे जो कि $53 में इंक्लूड था। लेट्स सी क्या मिलता है हमें वहाँ पर। So the first thing that I didn't expect was that there was a massive waterfall flowing over plants. मतलब वो इतना बड़ा था। मैंने बहुत सारे waterfall देखे but जो ये waterfall था वो सबसे अलग था, because ये अंदर की तरफ बना हुआ था। और उसके अलावा अगर आप heat से आते हैं और इस तरह का welcome मिलता है तो बहुत ही amazing लगता है। और मैं seriously resist नहीं कर पाई photos लेने के लिए। मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी photos लिए। उसके अलावा जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए चीज़ें जो हैं और ज़्यादा अच्छी होती गई।
काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिले, वुडन स्कल्पचर्स थे वहाँ पे। बेसिकली जो क्लाउड फॉरेस्ट है उसे डिफरेंट लेवल्स में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको वाटरफॉल जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपके जो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी चेंज होते चले जाएंगे। अगर आप बॉटम पे हैं तो आपको ब्रॉड लीफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अगर आप टॉप पे जा रहे हैं तो आपको ओनी फॉरेस्ट प्लांट्स देखने को मिलेंगे। मतलब हर लेवल पे आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट आई रियली लव्ड। मतलब आप यहाँ पर हाथ रखेंगे और ये आपकी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा जो डायरेक्ट ऊपर तक जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद आपको अवतार के काफ़ी सारे स्टैचूज देखने को मिलेंगे और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो कि आपने कहीं नहीं देखी होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग था। सो हर वीडियो में मैं एक टिप देती हूँ, इसमें भी दे देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप ऊपर वाले लेवल पे पहुँच चुके हैं तो नीचे वाले लेवल पे आप नहीं आ सकते। तो अगर आपको लगता है कि कोई लेवल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी क्लाउड वॉक, वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब इसे इतनी अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है, इतना क्लेवरली कर्व दिए गए हैं कि अगर आप इतनी ऊपर भी हैं आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि वाइल वॉकिंग ऑन द क्लाउड मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ इंजॉय कर रही थी। आपको यहाँ से गार्डन्स बाय द बे, मरीना बे अलग से दिखने वाला है, उसके व्यूज़ आपको इतने ऊपर से, मतलब ये एक अलग ही फीलिंग है कि आप क्लाउड्स में चल रहे हैं और सामने से इतने अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और वीडियो में मैं जितना दिखा सकती हूँ उतना मैंने दिखाया है, बट आप होपफुली अगर आप वहाँ पे रियल में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Thank you.
सो ये था हमारा गार्डन्स बाय द बे। अगर आप एंट्री करते हैं लार्ज आउटडोर गेट से तो वहाँ पे आपको सुपर ट्री ग्रोव्स मिलेंगे जहाँ पर लाइट शो होता है जो कि रात में ही रहता है, एब्सोल्युटली फ्री होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा 5 मिनट अट्रैक्शन जो कि फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लोरल फैंटेसी, स्काई वॉक, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, इन सब के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, जिनकी की कंबाइंड टिकट भी है, अलग अलग टिकट भी है। और अगर आप सब देखना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे इनफ रहते हैं, बट आप दिन में जाएँ, और अगर आपको लाइट शो देना है तो आपको रात को जाना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।